बारा में पुलिस की सतर्कता से टली एक बड़ी वारदात। पुलिस ने बारा में दो शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे कि बारा एएसपी ने फर्स्ट इंडिया को दी एक्सक्लूसिव जानकारी। कहा बारा के ही एक नेता ने दिए थे शूटर्स को हथियार लाने के पैसे, लेकिन इन शूटर्स के निशाने पर कौन था इसकी पुलिस पड़ताल कर रही है। ऐसे में सवाल, आखिर कौन था इन शूटर्स के निशाने पर? अब इस पूरे प्रकरण में जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है और कहा है कि मंत्री प्रमोद जैन थाया थे शूटर्स के निशाने पर। ये बड़ी खबर है और शूटर्स को भेजने में बारा के ही एक नेता का नाम सामने आ रहा है। 2.5 करोड़ के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है पूरा प्रकरण। शूटर्स भेजने वाले नेता द्वारा समय पर पैसे नहीं लौटाए जाने की चर्चा। हालांकि पुलिस ने फिलहाल नहीं दिया है कोई आधिकारिक बयान, लेकिन अब पूरे प्रकरण में पुलिस को स्पष्ट स्थिति करनी चाहिए, क्योंकि पूरा जो प्रकरण है बारा के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। दोनों शूटर्स हितेश चंदेल और सुभाष वाल्मीकि हैं पुलिस के रिमांड पर। मुख्य अभियुक्त सरदार किराड़ की है बारा पुलिस को तलाश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सतर्कता की वजह से एक बड़ी वारदात होने से टल गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में इन शूटर्स के निशाने पर कौन था? सतर्कता की वजह से बड़ी वारदात टली। पुलिस ने बारा में दो शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि तमाम बड़े सवाल इस पूरी वारदात में खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने बारा में दो शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। बारा एएसपी ने फर्स्ट इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। कहा है कि बारा के ही एक नेता ने दिए थे शूटर्स को हथियार लाने के पैसे, लेकिन इन शूटर्स के निशाने पर कौन था इसकी पुलिस पड़ताल कर रही है। अब ऐसे में सवाल आखिर यह है कि आखिर कौन था इन शूटर्स के निशाने पर? अब इस पूरे प्रकरण में जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है और ये कहा है कि मंत्री प्रमोद जैन भाया थे शूटर्स के निशाने पर और शूटर्स को भेजने में बारा के ही एक नेता का नाम सामने आ रहा है। 2.5 करोड़ के लेन देन से जुड़ा पूरा प्रकरण ये बताया जा रहा है। शूटर्स भेजने वाले नेता द्वारा समय पर पैसे नहीं लौटाए जाने की चर्चा है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अब पूरे प्रकरण में पुलिस को अब स्थिति पूरी स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि पूरा प्रकरण बारा के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। दोनों शूटर्स हितेश चंदेल और सुभाष वाल्मीकि हैं पुलिस के रिमांड पर। और प्रसन्न कुमार खमेसरा आईजी हैं कोटा के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो यही चाहेंगे कि पूरा जो मामला है वो स्पष्ट करिए। इसमें आज से 3 दिन पूर्व दो आदमी हथियार के साथ गिरफ्तार हुए थे जी, अभी पुलिस रिमांड पे है, उनसे पूछताछ चल रही है जी। सर, पूछताछ तो की जा रही है, लेकिन कुछ बताया है क्या इन आरोपियों ने किस बारे में? आप जो कहा जा रहा है कि एक नेता इनके निशाने पर थे, हालांकि बड़ी वारदात को विफल किया गया है, क्या इन्होंने बताया है? देखिए, दोनों आर्म्स के साथ में अरेस्ट हुए हैं और इनसे पूछताछ, गहन पूछताछ चल रही है। अगर कोई भी ऐसा एंगल होगा, सामने आएगा, तो बिल्कुल उसमें कार्रवाई करेंगे। नहीं सर, ये कहा जा रहा है कि एक बड़े नेता इनके निशाने पर थे जी। अभी तक पूछताछ हम सारे इश्यूज पे कर रहे हैं, ऐसा कोई क्लियर कोई बात आया नहीं है। अगर कोई इश्यू है तो उससे जरूर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, कार्रवाई की बात सर अब कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ में प्रारंभिक तौर पर उन्होंने कुछ बताया है कौन इनके निशाने पर? इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, इसमें डिटेल नहीं दे सकता। और कौन से हथियार इनके पास से मिले हैं सर, ये बता पाएंगे आप? तीन पिस्टल इनसे बरामद हुए हैं सर। 3 पिस्टल आप बता रहे हैं इनके पास से बरामद हुई है, लेकिन आप लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है आपको? अभी ये आपको नहीं बता सकते, पूछताछ चल रही है सर, अभी तक कोई बात स्पष्ट सामने नहीं आई है। जब तक स्पष्ट सामने नहीं आए बताना उचित नहीं। लेकिन सर, किसी की जान से जुड़ा ये मामला है, पूछताछ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही है। मुलजिम अरेस्ट हो चुके हैं और उनसे पूछताछ चल रही है, अगर कोई एंगल होगा तो उसकी जाँच। चलिए ठीक है, हर एंगल से आप जाँच कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर अभी आईजी को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अभी इन दोनों शूटर्स से पूछताछ की जा रही है और जो भी पूछताछ में इनको द्वारा बताया जाएगा वो स्थिति फिर स्पष्ट की जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, शूटर्स को भेजने में बारा के ही किसी नेता का नाम सामने आ रहा है। 2.5 करोड़ के लेन देन से जुड़ा ये पूरा प्रकरण बताया जा रहा है।
शूटर्स भेजने वाले नेता द्वारा समय पर पैसे नहीं लौटाए जाने की चर्चा है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल आधिकारिक कोई बयान नहीं दिया है। आईजी हमारे साथ जुड़े थे, वो ये बता रहे थे कि दोनों शूटर्स को पकड़ लिया गया है, लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है, ये नहीं सामने आया है। अभी आईजी ये कह रहे थे कि अभी ये नहीं उन्होंने बताया है कि इनके निशाने पर कौन था। लेकिन मुख्य अभियुक्त सरदार किराड़ की 12 पुलिस को तलाश। दो शूटर्स हत्थे चढ़ गए हैं पुलिस के, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो हत्थे नहीं चढ़ा। लेकिन 12 एएसपी ने फर्स्ट इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। ये कहा है कि 12 के ही एक नेता ने दिए थे शूटर्स को हथियार लाने के पैसे, लेकिन इन शूटर्स के निशाने पर कौन था ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी की पड़ताल की जा रही है। ऐसे में सवाल ये बरकरार है कि कौन था इन शूटर्स के निशाने पर, किसको मारने ये आए थे, किसने इन्हें सुपारी दी थी। अब पूरे प्रकरण में जानकार सूत्र ये खुलासा कर रहे हैं कि मंत्री प्रमोद जैन भाया थे शूटर्स के निशाने पर और शूटर्स को भेजने में 12 के ही एक नेता का नाम सामने आ रहा है। अब शूटर्स को किसने भेजा, कौन वो नेता है जिसने इन शूटर्स को भेजा है, इसकी पड़ताल की जा रही है। पूछताछ इन दोनों आरोपियों से की जा रही है। पुलिस फिलहाल जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो आधिकारिक, हालांकि वो कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि अभी पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है, जैसे ही कुछ पता चलेगा वैसे ही साझा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है, किसी के जीवन से जुड़ी हुई, और बड़ा सवाल अब भी ये बरकरार है कि आखिर इन शूटर्स के निशाने पर कौन था, किसने इन्हें भेजा। लेकिन फर्स्ट इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है जो कि 12 एएसपी ने दी है। एक नेता ने ही दिए थे शूटर्स को हथियार लाने के पैसे, ये 12 एएसपी ने फर्स्ट इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कोई बड़ा नेता, अगर कोई नेता इनके निशाने पर था तो क्यों था, किसने भेजा इन शूटर्स को, और आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिलाया जा रहा था। ढाई करोड़ के लेनदेन से जुड़ा यह पूरा प्रकरण बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस कोई आधिकारिक बयान इस पूरे मामले में नहीं दे रही है, लेकिन यह भी बात है कि पुलिस को स्थिति पूरी साफ कर देनी चाहिए, क्योंकि पूरा जो प्रकरण है वो 12 के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। दोनों शूटर्स पुलिस की रिमांड पर है। 3-4 दिन पूर्व 12 पुलिस के पास इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी कि 12 शहर में कुछ व्यक्ति है जो अवैध हथियार लेकर आए हैं और उनसे किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस पर आसूचना संकलन कर कोतवाली पुलिस ने दो बदमाश हितेश चंदेल और सुभाष वाल्मीकि को डिटेन किया था और उनसे तलाशी के दौरान 3 अवैध पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद हुए थे। उनसे इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है, उनका पीसी रिमांड लिया गया है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो हथियार कहाँ से लाए थे और किन उद्देश्यों के साथ लाए थे, उन्होंने पैसा कहाँ से लिया और किस माध्यम से पैसा अगली जो देने वाली पार्टी है उनको प्रोवाइड कराया था। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। फिर उद्देश्य क्या था इनका हथियार लाके या किसी को शूट करने का है, क्या मामला? प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी आई है कि इन लोगों की किसी 12 शहर के ही किसी व्यक्ति से पैसों के मामले को लेकर कहासुनी और रंजिश चल रही है और उन्हीं के लिए, उनसे बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए या उन पर कोई वारदात करने के लिए ये हथियार लाए जा सकते हैं।